एमसीबी जिले भरतपुर विकास खंड के अंतर्गत सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा जनकपुर शाखा प्रबंधक के द्वारा किसान खातेदारी के साथ बदतमीजी व गाली गलौज करते हैं और समय सीमा पर उन्हें उनकी कमाई का पैसा नहीं दिया जाता, जिससे किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जनकपुर सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक के कृत्य से किसान काफी परेशान है। उनको सही समय पर राशि उपलब्ध नहीं होने से किसान रोज रोज पैसा लेने के लिए बैंक का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी किसानों को पैसा नहीं मिलता। यहां तक कि किसानों का खाता अन्य लोगों के खाते ऐड कर उन्हें उनके खाते में पैसा जा रहा है, जबकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी कई बार सुधार करने की जगह आधार खाता उपलब्ध कराने के बावजूद भी आज तक सुधार नहीं हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में बेहद आक्रोश नजर आया। मैं अपने घर में खेती किसानी का काम और अन्य काम करता हूं। आज मैं सहकारी बैंक में आया था जनकपुर पैसा लेने के लिए, और जब मैं पैसा लेने के लिए यहां आया तो बहुत भीड़ होने के कारण मैं सोचा कि एटीएम इशू करा लेता हूं, एटीएम इशू हो जाएगा तो मेरे को सुविधा होगी। मैं एटीएम इशू कराने के लिए पिछले सप्ताह अपने दस्तावेज जमा किए थे और आवेदन जमा किया था, जिस पर आज बैंक मैनेजर के सामने मैं गया और बोला साहब मेरे आवेदन जमा है, मेरे को एटीएम दे दिया जाए, मेरा पुराना एटीएम का डेट एक्सपायर हो गया है। उन्होंने बोला आवेदन कहाँ, मैं आवेदन ढूंढवाया, आवेदन ढूंढने के बाद उसमें प्रोसेसिंग चालू किए और जो भी दस्तावेज मांगे मैं देते गया। मेरा एटीएम इशू होने के पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री रविशंकर सिंह जी आए, उन्होंने बोला भैया कैसे खड़े हैं, मैं बोला कि कुछ धान के पैसे लेने थे भैया, इस कारण से खड़ा हूँ और पिछले सप्ताह भी आया था, पैसा ना होने के कारण पैसा नहीं मिला। तो उस बात को लेकर उन्होंने बोला कि नहीं, ये आदमी नहीं आया था, ये आदमी झूठ बोलता है और पैसा मैं पिछले सप्ताह से लगातार बांट रहा हूँ, ये आदमी नहीं आया था। तो मैं उनके कर्मचारियों से बोलता हूँ कि मेरा ड्राइवर वापस किया गया है कि नहीं किया गया है। उनके कर्मचारी भोले जी द्वारा बोला गया कि हाँ इनका ड्राइवर हुआ है वापस दो दिन और इनको पैसा नहीं मिला है। तो इसी बात को लेकर वो मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे, बोले तू झूठ बोलता है, तू नेतागिरी करता है, ये करता है, वो करता है। मैं जगदीश भाई का घुघरी का रहने वाला, माड़ीसराय समिति में पंजीयन धान का करवाया है अगले वर्ष। तो अगले वर्ष मैं 5-6 चक्कर जनकपुर में आया तो नवल दादा किसी कदर से चिट्ठी पाती लिख के मेरा पैसा ट्रांसफ़र करवा दिया। इन साल भी 2 चक्कर आ चुका तो इन साल भी परेशानी हुई है। कागज़ अपना पूरा रिकॉर्ड दिया ऑपरेटर को, माड़ीसराय वाले ऑपरेटर को, दुर्गा नाम करके हैं, उनको दिया तो उन लोग कहीं कि सुधर जाएगा। फिर यहाँ लिया ड्राइवर ओवर और जमा करन जब इंट्री हम लोग करवाएं तो हमारी खातम तो 1,000 रुपये कुल बता रहा है। फिर चला गया घर, फिर नवल दादा से मिले तो वो फिर चिट्ठी पर लिखीं तो फिर लेके आए, फिर शाम हो गया। आपकी समस्या क्या है कि आपके धान का पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, मेरी किसी दूसरे के खाते में, दूसरे खाता चरकू दीन दयाल का खाता में वो मृत हो चुका है। हम गए तो बोले कि ड्राइवर नहीं मिलेगा, कमीशन लगेगा। मैं कहा दे दीजिए, ड्राइवर भर लेते हैं तो जमा करने में लेट होगा। बोले नहीं मिलेगा ड्राइवर, ड्राइवर दोबारा नहीं मिलेगा, आप ड्राइवर बर्बाद किए। बोले कि कमीशन तो लगेगा ही। बोले राशि लेके आओ, 10 वाला राशि लेकर के एक छोटा लड़का आ रहा था, बोले 10 वाला नहीं चलेगा, 20 वाला राशि लेके आइए, इसके बाद ड्राइवर दिया जाएगा। मैं कहा ड्राइवर देना है कि नहीं देना है? बोले कि नहीं देना है। इसके बाद ड्राइवर दिए, फिर दोबारा हम ड्राइवर भरे और भर करके जमा किए हैं। ऐसा हरकत मान लीजिए हमारे साथ होता है, और ना जाने कितने किसान ऐसे शिकायत लेकर के आते हैं हमारे पास, और ये समस्या कब सुलझ पाएगा ये किसानों सोचने वाली बात है। हमेशा ऐसा होते रहता है। ये पैसा आपसे किसने, राशि किसने मांगा? यहीं का ड्राइवर देने वाले कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी हैं, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, बघेल करके हैं कोई, वो बघेल के द्वारा राशि मंगाया जा रहा था कमीशन के नाम पर कि लाओ कमीशन, राशि लाओ, इसके बाद ड्राइवर देंगे। ये भी सुनने में आया कि अगर आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो कुछ कमीशन लेकर भी पैसा दिया जाता है। ये सच बात है, ऐसा होता है। कई किसानों का हमारे पास कंप्लेन भी आया है, हम ऐसे सुनते आए हैं किसानों के मुँह से, ये कमीशन से पैसा दिया जाता है, साइड से पैसा दिया जाता है, बगल से भी पेमेंट हो जाता है, और ये हमेशा चलते आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नीलेश तिवारी।